नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश व्यास। कंप्यूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर नंबर 260 और गूगल शीट के लेक्चर नंबर 15 में हम देखेंगे, अगर गलती से गूगल शीट में से डेटा डिलीट हो गया हो या तो किसी आपके यूजर ने डेटा डिलीट कर दिया हो तो क्या करेंगे, वो डेटा कैसे वापस लाएंगे, तो चलो दिखाता हूँ आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, ये है मेरी गूगल शीट और गूगल शीट में आप जो भी डेटा देख रहे हो वो दो यूजर के द्वारा इनपुट किए गए हुए डेटा है यार। अब चलो, मैं तो ओनर हूँ इस शीट का, इसलिए मेरे पास तो सारा डेटा रहेगा और जो चाहूँ मैं चेंजेस कर सकता हूँ। लेकिन इसमें चेंजेस करने का यानी कि एडिट करने के लिए और एक परमिशन दी गई थी कोई और एक यूजर आईडी वाले को, ठीक है। तो वो यूजर से क्या हुआ, गलती से ये डेटा सारा डिलीट हो गया था, जैसे कि इस तरह से डेटा डिलीट हो गया था और यूजर ने डिलीट कर दिया था। अब मुझे क्या करना है, मैंने ये तो गूगल शीट क्लोज कर दी होगी, मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि जैसे मैं मेरे वाले था वहां पर फिर से मैं जाऊंगा, मेरी गूगल शीट को ओपन करूंगा। आप देखो मेरा डेटा तो चला गया लेकिन मुझे वो डेटा फिर से वापस चाहिए, यहाँ पर कंट्रोल जेड नहीं चलता। तो मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वो है लास्ट एडिट वॉज मेड सेकंड अगो बाय कंप्यूटर डिजी क्लास, वहां पर मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ये वर्कशीट की हिस्ट्री वर्जन हिस्ट्री ओपन होगी, जैसे कि आप देख लो यहाँ पर वर्जन हिस्ट्री ओपन है। अब यहाँ से पहले 13 अगस्त 1847, ठीक है, यहाँ पर करंट वर्जन देखो, यहाँ पर ये पूरा करंट वर्जन है और करंट वर्जन में मुझे क्या किया दिखा गया है कि ये डेटा किसने किया था, ये पर्पल वाला ने, पर्पल वाला कंप्यूटर डिजी क्लास है। और ये जो ये डेटा है किसने किया था, ये डेटा ज्ञानकुंज 8189 वाला ने किया था, ठीक है। ये हो गया, अब मुझे क्या करना है, ये डेटा नहीं चाहिए लेकिन 5 जुलाई को कौन सा डेटा था वो मुझे चाहिए, वहां पर मुझे क्लिक करना है। 5 जुलाई वाला पर क्लिक करता हूँ, आप देखो मेरा डेटा जो भी डेटा था वो यहाँ पर है, ये 5 जुलाई वाला मेरा वर्जन है। देखो ये 8 मई पर कौन सा था, 8 मई पर अगर क्लिक करता हूँ तो उस टाइम का जो डेटा था वो दिखाई देगा, देखो वो उस टाइम का डेटा है किसने, तो पर्पल वाला ने, कंप्यूटर डिजी क्लास ने यहाँ पर ये दो जगह एडिटिंग काम किया था, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कॉपी डेटा फॉर मी यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ वहां से देखो तो इस तरह से डेटा दिखाई दे रहा है। तो मुझे क्या चाहिए, गलती से डिलीट आज हुआ है, मुझे 5 जुलाई वाला जो डेटा था वो मेरा करेक्ट डेटा है, वो मुझे डेटा चाहिए, तो ये डेटा मुझे लाना है, वापस लाना है। तो मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पर आप देख लो रिस्टोर दिस वर्जन, इस तरह से आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रिस्टोर दिस वर्जन, यहाँ पर मुझे क्लिक करना है। जैसे वहां पर क्लिक करूंगा आपको ये रिस्टोर दिस वर्जन का ऑप्शन पूछा जाएगा कि क्या आप करना चाहते हो, रिस्टोर पर अगर क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारा वहां पर रिस्टोर होगा, यानी कि 13 अगस्त में जो डेटा था वो चला जाएगा वापस। और यहाँ देखो आज हमारा जो डेटा था 5 जुलाई में जो डेटा था वो डेटा मुझे यहाँ पर वापस मिल चुका है, अगर चाहे यूजर ने गलती से कर दिया या जानबूझकर कर दिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता चला कि डेटा गायब है, इस तरह से वापस ला सकता हूँ। फ्रेंड इसी तरह आप अगर फिर से हिस्ट्री में चले जाओ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब आपका करंट वर्जन कौन सा बन गया, रिस्टोर फ्रॉम 5 जुलाई, ठीक है, यहाँ से 13 अगस्त को ये रिस्टोर हुआ है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है किसने किया, ये 8189 ने किया था। यहाँ से आप ये जो है इनको नेम भी यहाँ से दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर नेम देता हूँ रिस्टोर इस तरह से, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि ये रिस्टोर 5 जुलाई से यहाँ से रिस्टोर हुआ था और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप डेटा को रिस्टोर कर सकते हो और आपने गवाए हुए डेटा वापस पा सकते हो। फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं हूँ योगेश व्यास फ्रॉम कंप्यूटर डिजी क्लास, गुड बाय।